इतना सपोर्ट करने के लिए। एक लाख सब्सक्राइबर हो जाए। हाय फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी और बज रहे हैं 4, 4:30 के लगभग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है भजन में, वो भी अपनी सोसाइटी में जाना है, तो आप लोग भी आ जाइए साथ में, चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए मिलते हैं अब वहाँ। और आज फ्रेंड्स, दोस्तों के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा बेस्ट मैसेज मिला है कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। चलिए आप लोग को मिलवाऊंगी उनसे। आज है स्पेशल ब्लॉग है एकादशी का, क्योंकि आज 2 जनवरी एकादशी है फ्रेंड्स, और किरण भाभी के घर का बर्थडे भी है, तो इस तरह से भजन करवा रही हैं। और यहाँ पे सबको टीका लगाया जा रहा है, और ये हैं किरण भाभी, इन्हीं के घर का आज बर्थडे है और एकादशी था, यानी इतना शुभ दिन था, तो इसलिए स्पेशली भजन मंडली बुलवा करके भजन करवाई हैं, और हम लोग को सुनने का इतना अच्छा मौका मिला है। ये किरण भाभी पूरे सोसाइटी की जान है, जान। और यहाँ पे भजन हो रहे हैं, और अभी बनेंगे राधा और कृष्ण। तो राधा कृष्ण ये दोनों माँ बेटी ही बनी हैं, और उसके बाद कलश लेंगी और डांडिया खेला जाएगा। तो यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि कलश कौन लेगा, और राधा कौन बनेंगी, और कान्हा जी कौन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये स्पेशल भजन मंडली आई थी, बहुत अच्छा भजन गाई हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, ये राधा कृष्ण जो बनी है ये दोनों माँ बेटी हैं, और अभी देखिए राधा जी कोई और आ गई हैं, क्योंकि इनको मटकी लेकर के कान्हा जी के साथ खेलना है। तो यहाँ पे डांडिया खेला जा रहा है, इनकी जिनकी इच्छा होती है वो यहाँ पे आते हैं, और इस तरह से मतलब बोलते हैं कि राधा कृष्ण एक तरह से खेल खेलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि मटकी को लेकर के इस तरह से डांडिया खेलना मतलब काफ़ी बैलेंस में रखना होता है। यहाँ पे लोग रामलीला रचा रहे हैं, और अब यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट हो रहा है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा भजन अभी मैं आप लोग के सामने लेकर के आ रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है, सुन लीजिए ध्यान से। ये भजन अच्छी है, ये भजन बच्चों के खाना जी के ऊपर है, पर हम लोग को समझ नहीं आया। Oh,
और ये भजन फ्रेंड्स यहाँ पे भजन हो रहा है, 4 बजे से शुरू हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा शाम होने वाली है। तो यहाँ पे अब आरती और भोग की तैयारी की जा रही है, तो आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। अगर सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे तो मिठाई जरूर खिलाऊंगी। एक लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 1 किलो नहीं 11 किलो पेड़ा। भाभी अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो 11 किलो पेड़ा कोई बड़ी बात नहीं है ना। अरे वो सोसाइटी में बांट के खा लेंगी। पर वो खत्म कर लेंगी। नहीं नहीं डन, 1 लाख नहीं, अगर 50,000 भी पहुँच गया तो भी ठीक है, 1 महीने में। ओके, हो सकता है कि कब किसके मुंह से निकल जाए, है ना। ये ठीक है भाई, 1 महीने में ना हो तो फिर कैंसिल, फिर कैंसिल सारा ऑफर और प्लान कैंसिल, फिर 2024 में ऑफर दिया जाएगा। ये चार्म नहीं जाना है। थैंक यू भाभी इतना सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग को प्रसाद दिया जा रहा है, और आप सुन लिए फ्रेंड्स कि इतने अच्छे अगर दोस्त मिल जाए तो क्या बात है। बोलते हैं ना 1 लाख तो सब्सक्राइबर मुझे ऐसे ही मिल गए, जो इतना ज़्यादा सपोर्ट लोग मुझे करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले प्रसाद मैं भी ले लेती हूँ। लाइए, थैंक यू। आप बुलाए उसके लिए थैंक यू। संतोषी भाभी, संतोषी माँ खुश तो सब लक्ष्मी जी भी खुश। अब मैं चलती हूँ, प्रसाद ले ली हूँ, और आज था घर का बर्थडे, यानी भाभी के घर का बर्थडे भी था और एकादशी भी था, इसलिए भजन रखी थी। और तो चलिए अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज गुजरात में हूँ तो गुजरात स्पेशल भजन सुनाई हूँ आप लोगों को। चलिए मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।